का गांव में रजिस्टर होने लग गए पहाड़ की सरकार विजिलेंस से करवाए ना तफ्तीश करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में आपको अवगत कराना चाहते हैं जो कि आज से 5 दिन पहले गुरुराम का एक नाम में चेहरा विनोद नंबरदार जो कि चक्रपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने इस विषय एक संदेश दिया था जो कि पूरे गुड़गांव में इस मैसेज से एक खलबली तो मच गई थी। कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये चलने लगा था कि वो क्या घोटाला है, उस पर लोग बाग उसको सुनने के लिए उत्साहित भी हैं। आज वह दिन पूरा हुआ। आज विनोद नंबरदार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, भाजपा सरकार के ओएसडी जवाहर यादव के बारे में उन्होंने घोटाले के आरोप उन पर लगाए हैं। कितने सत्य हैं, कितने असत्य हैं, ये जांच का विषय है। और उन्होंने यही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। आज हमारे बीच में विनोद नंबरदार जी मौजूद हैं। नंबरदार जी, कैसे कैसे इसमें घोटाले, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, 2014 में जब ये ओएसडी बने थे, सरकार जांच करे, उस टाइम इनके पास क्या था? पाड़ विहार में सिर्फ एक 200-250 गज का मकान था, इसके अलावा कुछ नहीं था। आज जो मैंने आज पेपर दिए हैं वो कम से कम 4300-4400 गज जमीन के मैंने पेपर दिए हैं, ठीक है, और विद प्रूफ दिए हैं, विद रजिस्ट्री दिए हैं, सारे दिए हैं। सरकार उसकी तथ्यों की जांच करवाए, अगर मैं गलत हूँ तो सबके सामने बताए मैं गलत हूँ। और अभी तो पाड़न बिहार में और भी प्लॉटों के खुलासे होने हैं, और भी ज़मीनों के भी खुलासे होने हैं। आज जो जनता देखेगी, मुझे टीवी पे देखेगी कि आवाज़ उठ रही है, तो इससे जनता डरती है, बहुत पावरफुल ओएसडी है, तो जनता भी अब सामने आने का काम करेगी, आप देखते जाओ। तो उनका भी कहना है कि आपके ऊपर भी एक 2 दिन पहले एक आवेदन दिया गया है पुलिस कमिश्नर में कि आप भी उनसे अड़ीबाजी करते हैं या फिर उन पर दबाव बनाते हैं, अवैध वसूली करते हैं, तो ये कितना सत्य है? ये जो सोमनाथ मुंजाल ने जो मेरे खिलाफ दरखास्त दी है, सोमनाथ मुंजाल एक सेक्टर 83 में 83 एवेन्यू के नाम से एक मॉल बना रहा है, ठीक है जी। उस मॉल में जो है जोहार यादव और सतपाल यादव जो कि पूर्व मंत्री का पीए है नरबीर का, उसका पैसा लगा हुआ है। आप देखो, सतपाल यादव और जोहार यादव की 20,000 करोड़ की संपत्ति है कम से कम, अगर जांच में आएगी। मैं तो ये कह रहा हूँ पुलिस भी जांच कर रही है और जुडिशियल इंक्वायरी भी करवा दी जाए, जांच में जब आएगी तो पता चलेगा। अब आप एक बात बताओ, सतपाल यादव एक बाजे के सामने नाचने वाला आदमी है जो 100-100 रुपये में नाचा करता था, इसका इतिहास पता करो। आज वो 20,000 करोड़ का आदमी हो गया, ये भी जब सरकार जाँच करेगी तो ये आ जाएगा, ये पैसा इसका है किसी और का है? अगर सरकार साफ है, मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी जांच है, जांच तो करवाए। मैंने इतनी दरखास्त दे रखी है, मेरी जांच का आज तक मुझे यही नहीं पता कहाँ है, फाइल कर दी जाँचें, मुझे ये नहीं पता कौन से डिपार्टमेंट में मेरी जांच कहाँ तक पहुँची है, ना मुझे बुलाया जा रहा है, एक बार बुलाया फिर मुझे बुलाया भी नहीं जा रहा है। और ये तो इसका भ्रम करने का है भैया, सोमनाथ मुंजाल ने, जोहार ने, सतपाल ने कम से कम इस मॉल से 2.5 एकड़ का मॉल है, 14 मंजिल बना दिया, इसका ना कोई लाइसेंस है, ठीक है, और ना ही इसका कोई नक्शा पास है। इन्होंने 70% पेमेंट जो है ब्लैक में ले रखी है, 30% पेमेंट वाइट में ले रखी है। मेरे पास व्हाट्सअप चैट है, मैंने सरकार को कंप्लेंट के साथ दे रखी है। कम से कम सरकार का 150 करोड़ का चूना लगा रखा है जो रेवेन्यू का है, स्टैम्प ड्यूटी है, रेवेन्यू ड्यूटी है, जो जो भी है, तो सरकार तफ्तीश करे ना, पैसा क्यों छोड़ रही है भूमाफियाओं के पास। आपने प्रेस वार्ता के दौरान आरोप लगाया कि वो ब्लैकमेलिंग भी करते हैं, बिल्डरों पर दबाव बनाते हैं। ये ब्लैकमेलिंग करके ही तो सोमनाथ मुंजाल के साथ पार्टनर है, तफ्तीश में जब तफ्तीश होगी तो अपने आप पता लग जाएगा इसमें कितने पार्टनर, कितना पैसा जोहार ने दिया है, क्या क्या नहीं दिया, क्या दिया है। अभी तो इसके बहुत सारे खुलासे हैं, इसके वेयर हाउस की कंपनी, इसके सामने अभी तक कोई नहीं आया, किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। भैया, बहुत बड़ा जो है भूमि माफिया है ये, और दूसरा ये बहुत बड़ा जो सोमनाथ मुंजाल है, ये दुबई रहता था और ये हवाला का काम करता था, और इसके साथ अब ये भी मिल गया। तो मुझे हवाले में ओएसडी जवाहर यादव का भी बिल्कुल बिल्कुल, जब तफ्तीश चलेगी तो आप श्योर हैं इस बात? 100% 1000% मैं श्योर हूँ, जब तफ्तीश ईमानदारी से चलेगी तो जवाहर यादव उस सोमनाथ मुंजाल के साथ घोटाले में, क्या इसमें ये जो है हवाला के घोटाले में बिल्कुल साथ है। क्या इन लोगों के साथ में कोई प्रशासनिक लोग भी मिले हुए हैं?
ये तो खुद ही ये कहता है जब फोन करता है कि मैं सरकार बोल रहा हूँ, ये कहाँ कहता है मैं जवाहर बोल रहा हूँ। तो ये तो सरकार अफसरों पे दबाव बनाने के लिए कहता ही है कि मैं सरकार बोल रहा हूँ। सारे दबते हैं, अफसर भी डरते हैं इससे, क्योंकि बहुत पावरफुल है। जबकि ये भ्रष्टाचार के मामले में ही पहले हटा था, और आज भी इसके मैंने इतनी बेनामी नामी और बेनामी संपत्ति दी है, इसके नाम की भी इतनी संपत्ति दी है। सरकार जांच करवाए ना, 2014 के बाद ऐसा क्या होगा जो इसकी इतनी बड़ी प्रॉपर्टियाँ हो गई, इतना बड़ा ये आदमी हो गया, 1000 गज के मकान में या मकान बना रहे प्लॉट में, उसके मकान में कितना पैसा लग रहा होगा, ये भी तो एनालाइज करे ना सरकार, करे सारे काम करे। हरियाणा में सरकार कैसा काम कर रही है भाजपा? हरियाणा सरकार ठीक है, हरियाणा सरकार से मुझे कोई वो नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सांप को दूध क्यों पिला रही है हरियाणा सरकार भाई? अगर फिर भी दूध पिलाती रहेगी तो कहीं ना कहीं तो छिट्टे आएंगे। अब जब छिट्टे आए, आपका कहना है कि मनोहर लाल खट्टर पर इनका प्रभाव पड़ेगा? 100% वो ईमानदार आदमी है, और आज उनका जन्मदिन भी है, मैं तो उनको शुभकामनाएं देता हूँ, उनकी लंबी आयु की कामना करता हूँ, उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। अच्छा आदमी, प्रदेश को अच्छे से चला रहे हैं, लेकिन ऐसे दिन जो आदमी ऐसे भ्रष्टाचारी उनको आसपास अपने रखेंगे तो गंदगी तो आएगी ना, छिट्टे तो उन पे भी आ सकते हैं। तो मेरी तो हाथ जोड़ के विनती है उनसे कि ऐसे आदमियों की पूरी तफ्तीश करवाए, और जब तक तफ्तीश हो कम से कम तब तक तो दूर रखें, पता लग जाएगा 4 दिन की तफ्तीश में यहाँ ये इन्वॉल्व है नहीं है। अनुमानित 10 साल में OSD जवाहर यादव के पास कितनी प्रॉपर्टी उन्होंने परचेस की होगी, या ये कहा जाए कितने करोड़ों की आज प्रॉपर्टी उनके पास में होगी? भाई मैं तो ये बता अनुमानित रहा हूं। मैं ये बता रहा हूँ, जो सतपाल है वो इसका पार्टनर है, कम से कम भी नहीं तो 20,000 की प्रॉपर्टी, 20,000 करोड़ की उसकी प्रॉपर्टी है। करे ना जाँच कहाँ से आया पैसा सतपाल की है, और इसकी इसके साथ है ना 2014 से आज तक ये काम क्या कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। OSD की जो जवाहर यादव है उनके पास में लगभग कितने की होगी? भाई मुझे तो अभी तो विशेष आधी इसकी होगी, और क्या है, आधी इसकी होगी, ये तो तफ्तीश का विषय आ जाएगी, सबसे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो जैसे आपकी आपने 45 आपने कंप्लेने दी हैं, और 45 कंप्लेनों के बाद में आपको कोई पत्राचार का कोई जवाब आपको नहीं मिलता है, तो आपने कोर्ट का सहारा क्यों लिया? सत्यापन तक करके आपको अपना एक शपथ पत्र जारी करके आपको कोर्ट में देना चाहिए था। भाई इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है, सोमनाथ मुंजाल वगैरह के खिलाफ, ठीक है, और इसी मॉल के चक्कर में, ठीक है, और ये मदद करता है जो सरकार को पैसा जाना था 150 करोड़ रेवेन्यू का, वो ये खा रहा है इनसे, और अपने जो 100 रुपये की चीज़ है मेरे ख्याल से 30 रुपये में इनसे ली होगी, 40 में ली होगी, कितना ली होगी उसका विषय है ना, जो मैं बता रहा हूँ उस पर जाँच करवाई जाए। अब नेक्स्ट आपका प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं, जिसमें एक और आप कह रहे हैं कि हम एक नया धमाका और करेंगे। अभी हम जो है, मैं 3 या 4 दिन के बाद आज बाद एक प्रेस वार्ता करूँगा, एक मैं दरख्वास्त दूंगा, दरख्वास्त आप लोगों को पढ़वाऊँगा, मीडिया के सामने पढ़ूंगा, और मीडिया के सामने सबको मेल भी करूँगा, रजिस्ट्री भी करवाऊँगा। उस पर मैं चाहता हूँ कि भाई एक जांच तो जो है विजिलेंस कर ले, या कोई भी इनकी एजेंसी कर ले सरकार की, और एक जुडिशली जांच करवा ले, वो पता लग जाएगा फर्क भी क्या क्या है उसमें। आपने जो कंप्लेंट दी है 45, उसमें ईडी सबको दी है, सेबी और इन सबको आपने दी है, सबको, ईडी को, GST को, रेवेन्यू को, मतलब सबको, इनकम टैक्स को, सबको दी है। किसी की तरफ से आपने इतना पत्राचार करने के बाद कोई जवाब नहीं? नहीं, एक पत्राचार का मुझे जवाब आया है, DG विजिलेंस जी से मेरे पास मेल आई है कि भाई आपकी इंक्वायरी करी जा रही है। उन्होंने जो है एक मेल अरुण गुप्ता जी हैं ACS उनको करी थी, और मुझे CC में रखा था, एक ही आया है, उसके पहले और बाद में आज तक मुझे कुछ मिला ही नहीं है जी। हमारे बीच विनोद नंबरदार मौजूद, जिस प्रकार से उन्होंने आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के OSD जवाहर यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि आज उनके पास में इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई, और इनके ऊपर आज जिस प्रकार के जो आरोप लग रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की छवि धुंधली होती है। तो उनका कहना है सरकार ऐसे व्यक्ति को, उन्हें सांप का भी रूप दे दिया कि उनको दूध क्यों पिला रही है। तमाम ऐसे प्रश्नों को उठाने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय 4 से 5 दिन के अंदर हम एक नई प्रेस वार्ता करेंगे, जिसमें एक नया और धमाका OSD जवाहर लाल यादव के खिलाफ करेंगे। साथ उन्होंने ये कहा कि मैं एक कंप्लेंट भी दूंगा, शिकायत पत्र, जो कि समस्त मीडिया गुराम की उनके सामने दूंगा, जिससे कि क्या उस पर कितना प्रशासन और सरकार उसको स्वीकार करता है और उस कंप्लेंट को आगे बढ़ाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि तमाम संस्थानों को, ED और SEBI और तमाम विजिलेंस को, उन्होंने CID पुलिस तमाम लोगों को 45 ऐसी कंप्लेंट दी है, उसमें से एक का पत्राचार
होने का जवाब मिला विजिलेंस का, जिसमें कि जवाहर यादव के खिलाफ जांच जारी कर दी है, उनको ऐसा मेल प्राप्त हुआ है। आगे देखना होगा कि सत्य क्या है, क्योंकि जवाहर यादव ने जिस प्रकार से आज तथ्य के आधार पर उन्होंने प्रेस वार्ता कर लोगों को अवगत कराया है, यह एक अपने आप में भी बड़ी बात है कि ओएसडी जवाहर यादव के पास में जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं और उनके साथ उनका सहयोगी सत्यपाल और उनके साथ सोमनाथ मुंजाल जो उनके साथ में हैं, तो ये तमाम हवाला का भी काम करते हैं, ऐसा भी उन्होंने गंभीर आरोप उन पर लगाया है। और इसका सरकार कितनी ढंग से इस पर जांच होगी और कार्रवाई होगी, हालांकि विनोद नंबरदार के खिलाफ भी उन्होंने एक मुकदमा दर्ज करने के लिए कमिश्नर पुलिस को दिया है, परंतु उसमें उनका साफ स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने कहा है कि इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, ना ही मैंने किसी को अभी तक अवैध वसूली का या किसी को धमकाया है, ये निराधार है और इसका कोई भी अभी तक ऐसा उनके पास एविडेंस नहीं है। यदि गलत है तो मेरी भी सरकार और प्रशासन जांच कर सकता है, देखना होगा। जब तक के लिए आप देखते रहें नव समाचार विभाग खबर हर समय। धन्यवाद। We'll be right back.